अच्छा हूँ और दिलों की बात मुझसे अच्छा कोई जानता नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको बताऊँ। तुम जफर को बोलते हो? वेल हाँ, फ्लैट तो गए थे, और जिनू भी बेचारा, जिनू को हमेशा मुझ पर डाउट रहता है, बट स्टिल वो भी कहीं ना कहीं मेरी बातों में आ जाता है, और वो जाता है सारा जी के साथ सेम चीज़ करके आता है, और उसका ब्रेकअप हो जाता है। वेल ये ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर शहजादी यास्मीन मुझे एक बुलाती हैं, एक चिट्ठी देती हैं वो मुझे, जो मैंने शूट किया था इससे पहले, जिसमें बोलती है कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे शहजादी यास्मीन का जो रूप है वो बहुत ही अलग है। वो मतलब सीज़न वन में जो वो कॉस्ट्यूम पहनती थी, अलादीन का फेवरेट ड्रेस जो पहनती थी, वो पहन के वो अली के सामने खड़ी हैं, दैट शोज़ कि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो अली अभी तक पकड़ नहीं पाए। शहजादी यास्मीन बताइए। अभी तो ऐसे कुछ बताना नहीं चाहूँगी, देखती आप लोग शो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है, दैट्स ऑल आई विल से। एंड अली और यास्मीन के बीच जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो ज़रूर देखें। अच्छा, अली को कहीं ना कहीं दुश्मन मानती है यास्मीन, और अभी फ्रेंडशिप भी कर ली है, क्या एक रीज़न है इसके पीछे, कोई प्लानिंग है यास्मीन की भी? डेफिनेटली प्लानिंग है, उसने बहुत ही कूल सा प्लान प्लॉट किया है, बट राइट नाउ कुछ बोला नहीं चाहूँगी, बस इतना बोलूँगी कि वो इसको अपने रूम में इनवाइट करती है, और वो उसके साथ ऑल ऑफ अ सडन शी इज़ ट्राइंग टू बी वेरी एक्स्ट्रा फ्रेंडली विद अली, विच इज़ काइंड ऑफ सस्पिशियस फॉर अली एज वेल, बट लेट्स सी इफ ही फाइंड्स आउट इन द अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू।